नमस्कार दोस्तों, विंडोज एप्लीकेशन बनाने के सीरीज में हम लोगों ने बेसिक ट्यूटोरियल सारे के सारे वहां पे देखा, कई सारे प्रोजेक्ट बनाया। और दोस्तों हम लोग अब एडवांस सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटाबेस के बारे में। हम लोग दोस्तों विंडोज एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे बना सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बेसिक यूजर इंटरफेस डिजाइन करेंगे, जिसमें दोस्तों स्टूडेंट मैनेजमेंट का होगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग edio.net की मदद से दोस्तों हम लोग डेटाबेस के प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डेटाबेस एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें दोस्तों दो तरीके से यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। पहला है दोस्तों edio.net की मदद से, उसके बाद दोस्तों है एक लिंक। एडियो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्टिव एस डेटा ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन और डेटाबेस को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। उसी तरीके दोस्तों एक और आता है, जिसको दोस्तों हम लोग आगे के किसी ट्यूटोरियल में देखेंगे, लिंक, जिसका मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, जिसके मदद से भी दोस्तों हम लोग यही सेम काम करते हैं। मतलब दोस्तों एप्लीकेशन और डेटाबेस को बीच में कम्युनिकेशन की मदद करता है, जिसको दोस्तों हम लोग ये edio.net और लिंक को यूज करके हम लोग करवा सकते हैं। तो इस सीरीज में दोस्तों हम लोग पहले edio.net के बारे में सीखेंगे, अगले सीरीज में दोस्तों हम लोग लिंक के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं विजुअल स्टूडियो 2022 के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट है वो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे आप लोग दोस्तों विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे स्टूडेंट एडियो दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड होता है दोस्तों, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ डिजाइन करेंगे। उसके पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे formgun.cs लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका नाम चेंज करके mainform.cs कर देंगे, mainform.cs इस तरीके से कर देंगे। और उसके बाद यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपका प्रोग्राम में एरर आएगा। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है इसको हम फिलहाल के लिए क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो ये रन होके सेंटर में आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को चेंज करना है इसका टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये नेम है, नेम को चेंज नहीं करना, टेक्स्ट को हम लोगों को चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट दिखेगा, इसको आप लोगों को यहाँ पे कट कर देना और यहाँ पे आप लोगों को कर देना स्टूडेंट डेटा बेस edio.net। इस तरीके से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए यही लिख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करके एक बार देखेंगे कि ये हमारा रन होके आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन होके अच्छे तरीके से आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बॉक्स को हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे ताकि दोस्तों यहाँ पे ये हमारा फिट रहे। यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे काटने वाला रहेगा। उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को थोड़ा हम लोग छोटा कर लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें डिजाइन करेंगे जो कि दोस्तों हम लोगों को डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में, डेटाबेस सीखने में दोस्तों ये हम लोगों को मदद करेगा। यहाँ पे टूल बॉक्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेबल लगाएंगे। तो लेबल लगाने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेबल। ये सब चीज़ों के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फटाफट कर लेना है। अगर आप लोग जानते नहीं जानते तो देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टूडेंट आईडी, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लेंगे तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे और इसको हम लोग इधर इम्पोर्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बटन बनाएंगे और बटन को दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देंगे और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे फाइंड आईडी लिख देंगे तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आईडी खोजा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस सब को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे दोस्तों फॉर्मेट के अंदर, सेंटर फॉर्म पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हॉरिजेंटली पे क्लिक कर देंगे तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब दोस्तों इसके नीचे हम लोगों को ये ही सारे काम करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको मैं इधर करता हूँ और इसको इधर करता हूँ और इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ और इस तरीके से मैं कर देता हूँ। अब दोस्तों ये सारे को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब दोस्तों इसके नीचे ही हम लोगों को यहाँ पे सारा चीज़ बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग कि लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, लेबल हो गया, इसके अंदर नाम लिख देंगे दोस्तों नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो गया तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और आप लोगों का भी यहाँ पे क्लिक इवेंट जनरेट हो जाए तो इसको आप लोग यहाँ से हटा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एरर आएगा जो कि दोस्तों आप लोगों को हटाना होगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हटा देंगे तो ये हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एरर खत्म हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ला के छोड़ देंगे और उसके बाद दोस्तों इसको भी हम लोग यहाँ तक अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसका हम लोग 3-4 बार डुप्लीकेट बना लेंगे इस तरीके से। नेम के लिए हो गया, ईमेल आईडी के लिए हो गया, मोबाइल नंबर के लिए हो गया, यहाँ पे क्लास के लिए हो गया, इस तरीके से दोस्तों हम लोग 3-4 बार यहाँ पर बना लेंगे तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। एक बार और बना लेते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब में चेंजिंग करेंगे। नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ज़्यादा कुछ लेना भी नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ से हेल के 4 चीज़ें ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग दो बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बटन, पहला बटन यहाँ पर हमारा इस तरीके से रहेगा और इसको इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको ये दोनों बटन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर देंगे तो ये बीच वो बीच आ जाएगा। कुछ इस तरीके से दोस्तों 2 बटन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे एड न्यू डेटा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को टेस्ट में करना है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को चेंज करना है एड न्यू डेटा, इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग कर देंगे अपडेट डेटा सिर्फ कर देते हैं तो ये भी ठीक रहेगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 2 बटन बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। अब दोस्तों ये सब सारे के अंदर हम लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेम प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखेगा। जब दोस्तों ये सारे टेक्स्ट बॉक्स और बटन को आप लोगों को सिर्फ करना है, ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों नेम प्रॉपर्टी दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 हूँ तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को सारे पे यहाँ पे नाम रख देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे फाइंड आईडी बटन है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे फाइंड आईडी बटन, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों को सारे पे नाम सिर्फ रख देना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे लेबल हो गया तो यहाँ पे कर देंगे स्टूडेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स। कुछ इस तरीके से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे पे नाम चेंज कर लिया और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा फॉर्म को छोटा किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से अटैच कर दिया। अब दोस्तों एप्लीकेशन को रन करते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारा ये जो फॉर्म है किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होकर आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तरीके से दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन आ गया, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में ये सारे चीज़ों के बारे में, डेटा बेस में ये सारे डेटा को कैसे इंसर्ट करवाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि दोस्तों आप लोगों को जाना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे
ये दोस्तों हमारा मेन प्रोजेक्ट है जो कि दोस्तों ये है, ये आप लोग जानते हैं एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, मतलब एक प्रोजेक्ट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर हम लोग अनेक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को शीशा प्रोवाइड करता है। उसी तरीके दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देखेंगे तीन चीज़ें आप लोगों को देखेगा, स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट एडेप्टर, स्टूडेंट डेटा। ये मैंने कैसे बनाया वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, ऐड क्लिक करना, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है क्लास लाइब्रेरी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये वाला आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क सीसा विंडोज लाइब्रेरी, ये आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ स्टूडेंट टेस्ट, इस तरीके से नाम दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे, यहाँ पे सॉरी ये कह रहा है पहले से है तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो क्लास लाइब्रेरी है वो क्रिएट होकर यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये क्लास डॉट सी एस आया, इसको दोस्तों मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ओके पे क्लिक कर दूँगा। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा एक और लाइब्रेरी ये इसके अंदर ये आ गया इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये तीन लाइब्रेरी आप लोगों को बनाना है, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट एडेप्टर और स्टूडेंट मॉडल। इन सब चीज़ों के दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में यूज करेंगे। और ये स्टूडेंट टेस्ट जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा तो ये हट जाएगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं, डाउन सेव तो ये हट गया। अब देखेंगे तो दोस्तों ये आप लोगों को उसी तरीके से बनाना, इसके अंदर से भी दोस्तों class1.cs को डिलीट कर देना, इसके अंदर से भी डिलीट कर देना। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है, इसको आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर दोस्तों इसके अंदर से भी आप लोगों को डिलीट कर देना है। इस तरीके दोस्तों ये हमारा जो ट्यूटोरियल है आज का ये कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग इसको डेटाबेस बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से जो भी डेटा है उसमें दोस्तों हम लोग इंसर्ट करवाएंगे पहले। तो एक बार मैं और आप लोगों को रन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पर एड क्लिक करेंगे अपडेट, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने बेसिक सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विंडोज एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सीरीज नहीं देखा है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग जाके पूरा प्ले लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय।